नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अक्षिता कॉटन के बारे में। फ्रेंड, बिकॉज कंपनी की तरफ से दो बड़े अनाउंसमेंट आ जाए, एक तो बोनस को लेकर के, दूसरा रिजल्ट को लेकर के आया। तो चलिए चेक करेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा है, बोनस का अनाउंसमेंट, कंपनी ने रेशियो क्या डिक्लेयर किया है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, आज का क्लोजिंग प्राइस है 25.95 का, 0.27% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिटर्न को चेक करेंगे तो 6 मंथ्स में लगभग 7.5% का रिटर्न आया, देख सकते हैं। एंड अगर चेक करेंगे फ्रेंड एक साल में कितना पैसा बना, एक साल में देख सकते हैं रिटर्न्स तो लगभग 30% 31% यहाँ पर रिटर्न लोगों को यहाँ पर आया है, अच्छा खासा रिटर्न्स आ रहे हैं। एंड अगर मैक्सिमम चार्ट में जिन्होंने लंबे समय से शेयर को होल्ड करके रखा है, तो वहां देख सकते हैं अच्छा खासा 77.62 यानी 78% का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रिटर्न्स आया, अच्छा खासा यहाँ भी लोगों का पैसा बना है। फंडामेंटल चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका मार्केट कैप अल्ट्रा स्मॉल कैप कंपनी है, 681 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का PY 33.5 है, इंडस्ट्री का 33.9 यानी कि वैल्यूएशन अभी इंडस्ट्री को मैच कर रहा है, सस्ता वैल्यूएशन अभी भी है। पीयर स्क्वायर 4 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो फ्रेंड ये उतना अच्छा नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट कंपनी 25.3 करोड़ का है, प्रमोटर का स्टेक 62.8% शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे फ्रेंड तो प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया। यहाँ पर FII की तरफ से खरीदारी हुई है 0.47 से बढ़कर के 0.52 हुआ है, और यहाँ पर पब्लिक की तरफ से बिकवाली हुई है 36.76 से 36.71 हुआ है, यानी कि फ्रेंड यहाँ पर पब्लिक बेच रही है, FII खरीद रही है, तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है पॉजिटिव साइड में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड कंपनी का रिजल्ट्स को चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस हम लोग इस रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और कंपनी का फ्रेंड इनकम को चेक करेंगे तो देखिए इनकम यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहला चाहिए, ये अभी कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है, ये लास्ट ईयर का है, ये प्रीवियस मार्च क्वार्टर का है। इनकम को चेक करेंगे तो 15,496 का भी है, लास्ट ईयर था 22,824, देख सकते हैं इनकम में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है साल दर साल। क्वार्टरली बेसिस से 22,130 से गिर करके 15,496 हो गया, तो क्वार्टरली बेसिस में भी इनकम में गिरावट है। इस इनकम को जनरेट करने में कितना खर्च हुआ, 15,000 अभी है, लास्ट ईयर था 22,000, देख सकते हैं साल दर साल में एक्सपेंस में कटौती की गई है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 21,000 से गिर करके 15,000, तो एक्सपेंस में यहाँ पर कटौती की जा रही है। अब इस इनकम को एक्सपेंस से माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑपरेशनल प्रॉफिट, जो कि 496 का भी बताया जा रहा है, लास्ट ईयर था 761, तो देख सकते हैं भारी भरकम गिरावट है कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट में। एंड यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में भी देख सकते हैं इनका ऑपरेशन प्रॉफिट में 668 से गिर करके 496 होगा, तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड रिजल्ट अभी तक उतना बढ़िया नहीं, निराशाजनक रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे टैक्स माइनस करने के बाद, देख सकते हैं 354 का भी बताया जा रहा है, लास्ट ईयर था 574, साल दर साल में गिरावट है। क्वार्टरली बेसिस में भी देख सकते हैं 495 से गिर करके 354 हो गया, तो फ्रेंड रिजल्ट जो है वो बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है अक्षिता कॉटन का। अब फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंड अलोन क्यों डिस्कस किया, उसके पीछे रीजन क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी ने जो रिजल्ट अनाउंस किया यहाँ पर इस पार्ट ब्लैंक है, इस कारण से मैंने स्टैंड अलोन रिजल्ट आपको डिस्कस किया। एंड प्लस जो भी नंबर है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड बोनस को लेकर के जो अपडेट आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर बोनस का रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया है वो है 1:3 का। इसका मतलब है फ्रेंड फॉर एवरी थ्री एग्जिस्टिंग शेयर्स आपको एक बोनस शेयर्स कंपनी इशू करेगी, वन बोनसेस इशू करेगी, यानी कि फ्रेंड तीन शेयर के बदले में एक बोनस शेयर्स कंपनी इशू करेगी, तीन शेयर रहेगा तो एक बोनस आपको मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मल्टी अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ थ्री में ही शेयर को खरीदेगा, नहीं तो फिर आपको फिर से फ्रैक्शनल शेयर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो 3, 6, 9 इस थ्री का जो टेबल होता है उसके अनुसार आप इसको खरीदिए, नहीं तो फिर अगर दो शेयर खरीदिएगा तो फिर बोनस शेयर्स आपको फिर फ्रैक्शनल में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए जगह पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो इन्होंने एस्टिमेटेड डेट बाय विच बोनस शेयर टू बी क्रेडिटेड और डिस्पैच वो यहाँ पर थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है अगस्त 9th, 9th अगस्त को बता रहा है जो कि आज का डेट है, तो फ्रेंड ये थोड़ा सा रॉन्ग साइड में है, हो सकता है कंपनी इसको फिर चेंज करेगी। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अप्रूवल जो रहता है यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट अप्रूवल है ये बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट, तो ये भी डेट थोड़ा गलत है। तो फिर मैं ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अभी इसको समझते हैं। मान लीजिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको थ्री के मल्टीपल में शेयर को खरीदना था, आपने तीन शेयर खरीदा, इसका रिकॉर्ड डेट से या एक्स डेट से इसका क्लोजिंग प्राइस इसका मान लेता हूं मैं 26 रुपए का है, तो आपको ये तीन शेयर खरीदने में लग गए 78 रुपीज लगा। अभी आप देखिए कंपनी ने क्या कहना है कि तीन शेयर के बदले में कंपनी एक शेयर आपको बोनस के रूप में देगी तो हो जाएंगे चार शेयर। अभी क्या करना है आपको, ये जो 26 रुपए का जो क्लोजिंग प्राइस है एक्स डेट से पहले का, इसको आप फोर से यहां पर आप डिवाइड कीजिए तो आपका प्राइस निकल कर आ जाएगा 19 रुपीज 50 पैसा, 19 रुपए 50 पैसा का निकल कर आ जाएगा। तो जो भी एक्स डेट से पहले का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उससे आप डिवाइड करके अपना प्राइस निकाल सकते हैं, उस दिन रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपको ओपन प्राइस यही दिखेगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 78 रुपीज है। तो फ्रेंड सबका कहना रहता है
लेकिन ये बोनस शेयर्स फ्री में मिलता है तो फ्री में नहीं होता। देखिए क्वांटिटी ऑफ शेयर्स तो आपके डीमैट अकाउंट में बढ़ रहा है, शेयर तो आपको मिल गया, लेकिन भाव जो रहता है उसी रेशियो में घट जा रहा है। तो कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं है कि फ्री में शेयर्स मिल रहा है, फ्री में नहीं होता है। आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखिए आप सेम रहता है यहाँ पर। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोनस शेयर्स होता क्या है? तो फ्रेंड बोनस जो है, इनका कहना है कि फ्री एडिशनल शेयर्स कंपनी देती है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है बेस्ड ऑन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी ओन। तो फ्री वर्ड यहां पर गलत में है, शेयर जो मिलते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं, जो भी रिकॉर्ड डेट तक शेयर को रखेंगे उन्हें मिलेगा। एंड कंपनी जो रहता है शेयर जो बोनस शेयर्स देती है एज पर द रेशियो जो कंपनी अनाउंस करती है उसके अनुसार आपको बोनस मिलता है। बोनस में क्या क्या होता है? तो फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं रहता है, प्राइस जो रहता है इसका घट जाता है एज पर द रेशियो, एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो रहता है वो भी वो आपका सेम रहेगा। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड बोनसेस कंपनी क्यों लाती है? तो फ्रेंड बोनसेस लाने के पीछे रीजन क्या है? एक तो है लिक्विडिटी बढ़ाना, शेयर मार्केट में क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों बढ़ेगा, एफोर्डेबल शेयर सस्ता हो जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस ब्रांड के जो शेयर इस शेयर में बहुत लंबे समय से निवेशित हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, सो बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड मेक द स्टॉक मोर अट्रैक्टिव टू रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी बोनसेस लाती है। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग अक्षिता कॉटन बोनस इशू एंड रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।